तो एक चीज यू नो जो मैंने अपनी पिछले वीडियोस में नहीं बताई है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं दैट मैंने इंटरव्यू दिए इस फील्ड में एंड व्हाट आई हैव हैर्न इज ऑल दे आस्क दिस इज अ जॉब इन विच यू गेट पेट टू ट्रैवल इतना टफ नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है बिल्कुल भी टफ नहीं है हाँ वन थिंग इज दैट आप हाई गर्ज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ खुशी एंड इफ यू गैस डॉन्ट ऑलरेडी नो आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड अ स्टूडेंट एंड डूइंग माई मास्टर्स डिग्री एंड डूइंग एन इंटर्नशिप एज वेल एनी वे सो लास्ट ईयर मैंने एक इंटर्नशिप करा था इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड दैट विड एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज एंड यू गैज एक्चुअली लाइक डिट अ लॉट

Uh, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर uh, तो आपको अगर उस इंटरव्यू के बारे में और कैसे मेरा सिलेक्शन उसके बारे में जानना है सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट गेट विद द वीडियो लेट्स विद द क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम मनीषा शी इज आस्किंग लड़के का डी पी बट लड़की का नाम है एनी आस्क शिव तो दिस पर्सन इज आस्किंग हाई कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दी स्टडीज एंड लाइक एनी कोर्स वी हैव फॉर दिस ऑल्सो टेन्थ के बाद या ट्वेल्थ के बाद कैसे स्टार्ट करें सो मनीषा एंड इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना टेंथ और ट्वेल्थ के बाद आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो तो लेट मी टेल यू अबाउट माई क्वालिफिकेशन मैंने ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से करी है उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी सिर्ब एक <laughs> बहुत होता है मेरे साथ और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी साइंस स्ट्रीम से करी है सो इफ यू वांट टू गो टू दिस फील्ड देयर इज कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसी यू नो सब्जेक्ट से करना होगा तभी आप इसी फील्ड में जा सकते ये एक इकलौता ऐसा फील्ड है जिसके लिए यू कुड बी स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट बट आप इस फील्ड में जाके यू नो काम कर सकते हो सो या अदर क्वेश्चन इज आप टेंथ और ट्वेल्थ के बाद कैसे चाहते हैं सबसे पहले आप अपना टेंथ के बाद अगर आप टेंथ में हो ठीक है आप अपना ट्वेल्थ कंप्लीट करो फर्स्ट थिंग ठीक है आप टेंथ के बाद मत सोचो मुझे इवेंट मैनेजमेंट जाना है किसी भी फील्ड में जाना आप पहले अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करो आप अपनी हायर सेकेंडरी उसके बाद यू नो ट्वेल्थ कंप्लीट करो उसके बाद ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है यू नीड टू डिसाइड अ सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स आप इवेंट मैनेजमेंट के भी कोर्सेज होते हैं आप वो भी कर सकते हो ग्रेजुएशन में इफ यू आर यू नो इफ यू हैव टोटली डिसाइडेड दैट आपको इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में ही जाना है ठीक है इफ़ यू आर डिसव अबाउट यू नो दिस एंड इफ यू हैवन डिसाइडेड एट देन आई वुड सजेस्ट कि <coughs> मैंने पहली वीडियो में भी बोला अपने कि आप होटल मैनेजमेंट के यू नो फील्ड में जा सकते हो उसमें देर आर इवेंट्स एज वेल देर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होती है एंड देन यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल उसके अलावा यू नो ट्वेल्थ के बाद आप बी बी ए कर सकते हो बीब uh, के बाद एम बी ए कर सकते हो यू नो बीबीए ए के बाद आपको पता चल जाएगा दैट यू नो वैदर यू वॉन्ट टू गो टू दिस फील्ड और नॉट एंड उसके बाद यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शन अगर आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई है देन यू कैन सिंपली गो गिव इंटरव्यूज एंड यू नो यू कैन गेट अ जॉब सो इतना टफ़ नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है बिल्कुल भी टफ नहीं है हाँ वन थिंग इज़ दैट आपकी सॉरी मैं बार बार वहाँ देख रही हूँ वन थिंग इज़ दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर ज़्यादा अच्छी नहीं भी है तो यू नो यू कैन प्रैक्टिस एंड थोड़ी बहुत तो अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यू नो यूल हैव क्लाइंट्स यू नो जिससे आपको मिलना पड़ेगा एंड एंड यू हैव टू डू अ अलॉर ऑफ टॉक एंड यू नो यू हैव टू डू अ अट ऑफ कन्वर्सेशन एंड यू नो तो मैं वही बोल रही हूँ दैट यू नीड अ लिटिल गुड कम्युनिकेशन स्किल यू वांट टू गो टू दिस फील्ड एक्चुअली आज के जनरेशन में आप किसी भी फील्ड में चल जाओ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी ही चाहिए सो या दैट इज़ नंबर वन कि अगर आप टेंथ में हो आप सबसे पहले अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करो किसी भी स्ट्रीम से ठीक है जिस स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हो यार ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ ईवेंट मैनेजमेंट में ही इंटरेस्टेड हो तब आप कॉमर्स uh, से कर सकते हो ठीक है उसके बाद ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया अब आप डिसाइड करो कि आपको अगर सिर्फ ईवेंट मैनेजमेंट करना है देन गो फॉर बी बी ए बेस्ट है और बी कॉम ठीक है उसके बाद फिर आप uh, जा सकते हो डायरेक्टली इंटरव्यूज दे सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई uh, है देन ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज एम आप एमबीए करना चाहते हो एमबीए कर सकते हो अगर आपको सिर्फ जॉब्स चाहिए तो आप जॉब के लिए डायरेक्टली जा सकते हो सैलरी उतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं होती है बट ऑफकोर्स यू गेट एन एक्सपोजर लाइक लाइक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको ट्रैवल अगर करना पसंद है ना दिस इज अ जॉब जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो लाइक दिस इज अ जॉब इन विच यू गेट पेड टू ट्रैवल दिस इज अ जॉब जिसमें आपको पैसे मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए यू नो सो या इट इज इट इज रियली नाइज सो या दिस इज नंबर वन की ये क्वेश्चन मनीषा मैंने आपका सॉल्व कर दिया कि अगर uh, आप uh, टेंथ और ट्वेल्थ के बाद कैसे स्टार्ट कर सकते होके इवेंट मैनेजमेंट में ना लाइक like, अगर आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट हो गई ना तब तभी जा सकते हो लेकिन आई डू नॉट यू नो आई वुड नॉट सपोर्ट दैट एंड आई वुड नॉट सजेस्ट दैट एज वेल कि आप सीधा ट्वेल्थ के बाद चले जाओ आई वॉन्ट आई मीन आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट उसके बाद आप जाब इस फील्ड में ओके okay? तो so, अगर आप पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो ना सो टेंथ कम्प्लीट करो ट्वेल्थ कम्प्लीट करो ग्रेजुएशन आप बी बी ए में करो यू नो आम जस्ट टॉकिंग बाउट इवेंट मैनेजमेंट ठीक है बीबीए कंप्लीट करो उसके बाद यू कैन यू नो गो इन टू दिस फील्ड एंड बीबीए में भी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हो आप ट्वेल्थ के बाद इनफैक्ट यू नो ट्वेल्थ के बाद यू कैन गो फॉर टू अदर कोर्सेज एज वेल नो ट्वेल्थ के बाद आप देर आर मैनी डिप्लोमा कोर्सेज इन इवेंट मैनेजमेंट आप वो भी कर सकते हो ठीक है सो डू दैट एंड यू कैन इजिली गेट इन टू दिस फील्ड और लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गैज मैंने इंटरव्यू दील्ड में एंड वॉट आई हैव लर्न इज ऑल दे आस्क इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट सेट दैट सेट हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना यू नो वो एक्चुअली एक्सपीरियंस मांगते हैं आई मीन आपने अभी पहले का भी काम नहीं किया आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा राइट right? तो अगर आप कॉलेज में यू नो यू कैन डू इन टर्नशिप एंड एवरी थिंग तो उससे आपके पास यू you नो know, दिखाने के लिए होगा कि यू हैव एक्सपीरियंस एन एवरी थिंग सो या दैट इज़ इट फॉर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के अब जितने क्वेश्चन है मैं स्किप करने वाली हूँ राइट right? uh, आगे बढ़ते हैं सो आई एम सो सॉरी जब मैं किए जा रही हूँ मेरी मेरा मेरा गला एक्चुअली थोड़ा सा खराब है Uh, मेरा ट्वेल्थ हो गया है दिस अर्निंग किंग ये पूछ रहा है मेरा ट्वेल्थ हो गया है मैं इवेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ एज आई सर ट्वेल्थ के बाद आप अगर चाहो uh, तो आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो बट आपको ऑफकोर्स काफ़ी लो लेवल में काम मिलेगा वॉट आई वुड सजेस्ट यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन उसके बाद जाओ ग्रेजुएशन के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट में कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है बट अगर आपको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही करना है देन गो फॉर बी बी एके उसके बाद आप जा सकते हो इस फील्ड में दैट इज़ इट ओके ना अच्छा अनदर थिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली मैंने अपने किसी वीडियो में ये चीज़ ये बात नहीं बताई आप एक्चुअली तो एक चीज़ यू you नो know, जो मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में नहीं बताई है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इज़ दैट जितनी भी ये कंपनीज होती है ना बेसिकली ये स्टार्टअप कंपनीज़ होती है राइट सो दे डू नॉट चेक योर क्वालिफिकेशन आप किसी भी क्वालिफिकेशन से आओ वो देखते नहीं है वो बस देखते हैं कि हाँ आप बातचीत कर पा रहे हो लोगों से आप सेल कर पा रहे हो आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे तो वो आपको ले लेते हैं इस जॉब में राइट तो मैं काफ़ी यहाँ पर यू you नो know, वो साइट्स डाल दूँगी जॉब्स के Uh, तो या आपकी बस कम्युनिकेशन अच्छी हो आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने यू नो इंटरव्यू वगैरह दी और जितनी मैंने लोगों से बात करी उससे मुझे यही पता चला है एक और क्वेश्चन आया था ट्वेल्थ पास वाले भी कर सकते हो ऑफ कॉस कर सकते हो यार एज आई सेड कोई कोई भी कर सकता है देर इज़ नो पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीपल और रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन की ये क्वालिफिकेशन वाली कर सकते हैं नहीं कोई भी कर सकता है ओके okay? नेक्स्ट मैंने बी ए आर्ट्स किया है ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड गाइज आप को किसी भी एज के हो आप जा सकते हो इस फील्ड में ओके दिस क्वेश्चन वॉज आस बाय यामिक पटेल तो यामिक पटेल जी आप नहीं आप ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी एट ईयर्स के हो गुड फॉर यू आप जा सकते हो इस फील्ड में ओके एंड बी ए आर्ट्स की डजेंट मैटर कोई भी क्वालिफिकेशन हो आप जा सकते हो राइट ओके मुझे इवन मन में, में जॉब करना है क्या करूँ uh, यामिक जी ने फिर से ये क्वेश्चन पूछा है तो यामिक जी एट दी एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊँगी जॉब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए और जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आप यू you नो know, कैसे प्रिपेयर हो सकते हो एवरी थिंग अबाउट दैट लास्ट में ओके okay? ए मुझे भी ये करना है तो मैं सबसे मैं कह सबसे पहले ट्विंकल जी पूछ रही है मुझे भी ये करना है काम करना है मैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ ट्विंकल जी एज आई सेट अगर आपको ये करना है अगर आपको एज अ बिजनेस करना है देन ऑफकोर्स यू नीड फंड्स टू स्टार्ट यान बिजनेस इन इवेंट मैनेजमेंट राइट और आप बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हो बिकाज़ यू नो वॉट मेरे पास काफी सारे आइडियाज है अबाउट बिजनेस आइडियाज़ इवेंट मैनेजमेंट के तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बना सकती हूँ अगर आप कमेंट करो कि हाँ मुझे उसमें वीडियो चाहिए जिसमें यू you नो know, um, आप लाइक आई आई हैव अ फ्यू सीनियर्स जो एक्चुअली में इवेंट मैनेजमेंट एंड छोटे मोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो मैं उनसे पूछ कर यू you नो know, पूरी वीडियो बना दूंगी एंड ऑफकोर्स मेरे पास जितने आइडियाज़ हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि आप यू नो यहाँ से आप अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो विथ वेरी लिटिल फंड राइट सो या बिजनेस अगर करना है तो फिर तो आपके पास थोड़े बहुत फंड होने चाहिए थोड़ी बहुत आइडियाज़ भी होने चाहिए आप इनोवेटिव होने चाहिए बट अगर आपको एज अ जॉब करना है देन आप कभी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप कर सकते हो जॉब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम ए एफ टी यूनिवर्सिटी से इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए इज़ इट गुड और और नॉट आई एम कन्फ्यूज प्लीज़ सजेस्ट इंस्टा पे भी डीएम किया है आपको अगर आपने इंस्टा पे डीएम किया होगा तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया होगा अंजुना uh, अंजुना जी अच्छा uh, इनके और भी क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन हैं बट वहाँ के काउंसिलर बोर्ड है प्लेसमेंट होती है एंड ईवेंट्स भी होते जी ट्रू अप ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन गाइज़ अगर आपने uh, नाम क्या था उनका अंजुना अंजुना जी अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए एफ टी यूनिवर्सिटी जो है ना इनसे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है इनको मैंने पर्सनली कभी कॉल नहीं किया है अगर आप चाहते हो मैं जाके यू नो कॉल करके इनसे बात करके सारी इंफॉर्मेशन आपको बता सकती हूँ बट ओनली इफ यू इफ यू गाइज वांट बट हाँ बट अगर वहाँ के काउंसिलर ने आपको बोला है कि हाँ इवेंट्स होते हैं इवेंट्स तो चलो होते ही है देर इज नो डाउट कि इवेंट्स नहीं होते इवेंट्स होते हैं बट अगर वहाँ के काउंसिलर ने बोला है कि प्लेसमेंट्स होते हैं देन अफकोर्स होते होंगे गाइज तो यू you नो know, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है वहाँ पर मैंने क्लियरली ये बोला है कि गाइज आप कोई भी कॉलेज ले रहे हो इवेंट मैनेजमेंट के लिए कोई भी कोर्स कर रहे हो कोई भी कॉलेज ले रहे हो दैन मेक श्योर sure कि वहां के प्लेसमेंट सेल पे आप कॉल करके या फिर वहां के काउंसिलर्स या किसी से भी कॉल करके आप क्लियरली स्टेट करवा लो क्लियरली पूछ लो कि प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता अगर प्लेसमेंट मिलता है तभी आप यू uh, नो you know, जाना अगर प्लेसमेंट नहीं मिलता देन क्यों जाओगे आप राइट तो या प्लेसमेंट अगर मिलता है देन प्लीज़ गो फॉर इट ओके आई थिंक आई एम डन विथ ऑल दी क्वेश्चन और इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं मैं उनको उनकी क्वेरी वहीं पर ट्राई करती हूँ सॉल्व कर दूँ अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम में डाल सकते हो और सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हुई थी सो दिस वॉज द नेम ऑफ द कंपनी अगर आप जाओ तो आप इनके साइट पे जाके इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो तो जॉब के लिए तो ये इसकी एच जो है

कहीं पर इवेंट हो रहा है तो आप यू you नो know, चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे और शी आ, गेव मी सम सिचुएशंस सिचुएशन में आप क्या करोगे उस सिचुएशन में क्या करोगे ना आई हैड प्रायर नॉलेज अबाउट इट तो मेक श्योर sure करना कि आप उस बारे में आप इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ के जाओ एंड यू नो सिचुएशंस के बारे में पढ़ के जाओ लाइक like अगर कुछ खराब हो गया वेदर खराब हो गया उस टाइम आप क्या करोगे तो यू you नो know, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना नंबर वन नंबर टू आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे तो ये इंटरव्यू का हो गया अगर कुछ और क्वेश्चन होगा इंटरव्यू के बारे में तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा था अगर आप चाहते हो मैं डेडिकेटेड इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है क्रैक क्या गया बहुत ईजी होते हैं बट अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ कमेंट डाउन कर देना मैं बना दूंगी उसके बारे में वीडियो ओके सेकंडली आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो तो ये कुछ साइट्स है मैं पहले वीडियो में बोला मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ ये कुछ साइट्स है इन साइट्स में आप जाओ वहां पर एच का नंबर होगा उनका नंबर कॉपी पेस्ट करो अपने फोन नंबर में सेव कर लो नंबर उनको मैसेज कर दो हे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब लाव दिस दिज माई सीवी प्लीज रिप्लाई मी बैक Uh, या फिर आप दिस माई सी और बस रुक जाओ वो अपने आप रिप्लाई करेगी एचआर आपको कॉल करेगी इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगा इतना ही ईजी होता है गाइज कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जॉब मिलना ठीक है यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज इट थोड़े बहुत क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली फोन कॉल होता है एच आर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज uh, करती है और फिर फोन कॉल करती है एंड दैट इज़ इट ठीक है सो so, यादिज yeah, uh, दो मैं साइट्स बताई उन साइट्स पे जाओ वहाँ पर एच आर का नंबर लो उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो एंड उनसे बात करो और यू नो यू गेट यू लेट गेट जॉब तो अच्छा तो ये तो मैंने बता दिया कि जॉब के बारे में नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे जो जॉब मिली थी मिल रही थी एक्चुअली मैंने ली नहीं मुझे जो जॉब मिल रही थी उनकी सैलरी रेंज कितनी थी दे टोल्ड मी देट विल गेट अ सैलरी बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी टू थर्टी फाइव थाउजेंड बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू तो गाइज इससे यही पता चलता है कि अफकोर्स मैंने अपने फाइनल यू नो सैलरी डिस्कस नहीं की बिकॉज मुझे जॉब नहीं चाहिए था बट इससे यही पता चलता है कि आपकी जितनी अच्छी इंटरव्यू जाएगी आपको वहाँ तक सैलरी मिल सकती है ठीक है तो सैलरी का तो ये हो गया कि आपको इतनी सैलरी तक मिल सकती है आप थर्टी थर्टी फाइव तक के रेंज में एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट थिंग इज़ और क्या था hmm, हाँ उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको ट्रैवलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना लाइक कभी कभी रात हो सकता है तो कुछ लड़कियों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछी थी कि दी क्या ये सेफ़ है uh, तो गाइज़ आप मेक श्योर sure करना आप से पूछ लो कि अगर कैब्स आप प्रोवाइड कर सकते हो तब यू you नो know, मैं कर सकती हूँ मैं अपने कैब्स प्रोवाइड यू you नो know, खुद से नहीं कर सकती तो आप मेक श्योर sure कर लेना कि यू नो एच आर से आप पूछ लो कि क्या आप कैब्स प्रोवाइड करें बिकॉज यू नो अगर वो कैब्स प्रोवाइड करें देन ऑफकोर्स इट इज सेफ एंड यू कैन ज्वाइन द कंपनी अगर आप नहीं कर रहे थोड़ा सा तो रिस्की हो सकता है रात को यू नो इवेंट्स का तो पहला थिंग उसने मुझसे ये पूछा था कि फोन फो ये है टेलीफोनिक कॉल में क्या बात हुई थी मैं उसके बारे में बता रही हूँ तो पहला थिंग उसने मुझसे पूछा था डैट क्या आप रात को ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल हो बिकॉज कभी कभी यू नो इवेंट्स रात को भी होते हैं तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि हमारे इवेंट्स कभी जयपुर में कभी यू नो ऑल ओवर इंडिया होते रहते हैं तो क्या आप यू नो घूमने के लिए रेडी हो एज इन क्या ट्रैवलिंग करने के लिए कम्फर्टेबल हो तो आई ऑफ कॉर्स सेट यस आई मीन आई लव ट्रेवलिंग सो आई ऑफ कॉर्स सेट येस आई एम कम्फर्टेबल एंड देन शी वॉज लाइक देन आई आज एक्चुअली आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई भी डाउट हो दैन आई आज हर दैट यू नो क्या आप टिकट्स प्रोवाइड करोगे एंड क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस लोग जितनी भी टिकट्स वगैरह होती है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं सब हम ही लेते हैं सो या ये पूरी कन्वर्सेशन हुई थी हमारी टेलीफोनिक कॉल में एंड बाकी इंटरव्यू का मैंने बता दिया अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं आई मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल एंड येस दैट वॉज इट फॉर द वीडियो यू विज आई होप यू गाइज लाइक डिट इफ यू डिट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच माई अदर विडियोज एज वेल विच इज ऑफ लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स इन एवरीथिंग बिजी यू So yeah that was it for this video uh, I'll see you in my next video and till then stay safe be happy and make everyone happy bye